राष्ट्र स्तरीय होली मेला सुजानपुर का विधिवत पूजा अर्चना के साथ मुख्य सचिव वीके अग्रवाल ने शुभारंभ कर दिया। अग्रवाल के पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया और पगड़ी रसम के बाद जलेब के द्वारा ऐतिहासिक मुरली मनोहर मंदिर में पहुंचाया गया। मंदिर परिसर में विधिवत पूजा अर्चना के बाद मुख्य सचिव वीके अग्रवाल ने प्रदर्शनियों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उपायुक्त ऋचा वर्मा, SP अरजीत सेन, SDM सुजानपुर शिवदेव सिंह के अलावा कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। राष्ट्र स्तरीय होली मेला सुजानपुर में आगामी 3 दिनों तक रगन शास्त्रीय संध्याएं आयोजित की जाएंगी। वहीं आज शुभारंभ अवसर पर दिन के समय ही पहाड़ी कलाकारों द्वारा अपनी प्रस्तुतियाँ दी गयी। स्वागत अभिनंदन, इन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और आज के सुबह मुख्य अतिथि बीके अग्रवाल को शॉल टोपी वो स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया तो मुख्य अतिथि ने होली स्मारक का भी विमोचन किया। मुख्य अतिथि मुख्य सचिव बीके अग्रवाल ने होली उत्सव की बधाई दी और कहा कि राजा संसार चंद के जमाने से चली आ रही प्रथा को लोगों ने आज भी कायम रखा है, जो कि खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि आज लोगों को अपनी पुरानी परंपराओं को नहीं छोड़ना चाहिए। कानपुर होली बहुत एक पुराना प्रथा है और परंपरा है यहाँ की, जो कि राजा संसार चंद के समय शुरू की गई थी और हमें खुशी है कि यहाँ के लोगों ने, जिला प्रशासन ने उस ट्रेडिशन को अभी तक कायम रखा है और ये अच्छी बात है कि हमारी जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं वो कायम रखी जाएं। भले ही हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं लेकिन हम अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को ना छोड़ें, उसके ऊपर जो है आधुनिकता का विकास करें, ना कि उनको छोड़कर। तो अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर। सबसे पहले आप लोगों को इस उत्सव पर, होली उत्सव पर जो बहुत ऐतिहासिक उत्सव है, उस पर बहुत बहुत बधाई। और मुझे बहुत खुशी हुई कि इस मौके पर मुझे शामिल होने का यहाँ अवसर मिला और आपके साथ होली के इस उत्सव की शुरुआत करने का अवसर मिला। हिमाचल प्रदेश की अच्छी बात है कि हमने अपनी परंपराओं को, अपने ट्रेडिशंस को कायम रखने के लिए जहाँ लोगों की तरफ से पूरा एफर्ट हो रहा है, वहाँ ही जिला प्रशासन और राज्य प्रशासन की ओर से भी इस बारे में पूरा प्रयास किया जा रहा है कि ये जो हमारी परंपराएं हैं ये किसी ना किसी तरीके से कायम रहे। हमारे जो परंपराएं हैं, हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, संस्कार हैं, उनको कायम रखना बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ जो हमारी परंपराओं को ध्यान में रख के और परंपराओं को कायम रख के जो आधुनिकता की तरफ हम जो बढ़ते हैं, वो आधुनिकता सस्टेनेबल होती है। जिस आधुनिकता का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी जड़ों को छोड़ दें, आधुनिकता का मतलब ये है कि जो हमारी जड़ें हैं उनको, उन मजबूत जड़ों पर हम नई चीज़ों का विकास करें, नए तरीके के उस पर फल, नए तरीके के पौधे, नए तरीके के फूल लगें। आपको हम लोग सब जानते हैं कि जब हम किसी नई वैरायटी को पौधे की डेवलप करते हैं बागवानी में, तो हम उसके ऊपर जब ग्राफ्टिंग करते हैं तो उसके लिए रूट स्टॉक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और ये बिल्कुल साइंटिफिक तरीका है कि वो रूट स्टॉक वही रहना चाहिए, क्योंकि रूट स्टॉक जो है, जो जड़ है, वो वहाँ की मिट्टी को समझती है और जो नई वैरायटी है वो ऊपर से ग्राफ्ट की जाती है। और अगर जो है जड़ छोड़ दी जाएगी तो जैसे पौधा अमर बेल होता है कि वो उसकी जड़ ही नहीं। वहीं इस मौके पर DC हमीरपुर ऋचा वर्मा ने भी होली उत्सव की बधाई दी और कहा कि
ये होली उत्सव सबके जीवन में खुशियां लाए। एसपी साहब, एडीसी साहब, यहाँ पे आए सभी अन्य गणमान्य व्यक्ति, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुजानपुर टीहरा का सुविख्यात राष्ट्र स्तरीय होली महोत्सव आज से प्रारंभ हो रहा है और आगामी दो दिन तक होली के साथ साथ लोक संस्कृति के विविध रंग भी हमें यहाँ देखने को मिलेंगे।